हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं 2024 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड हंटर 350, जो कि अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा सेल होने वाला कलर है हंटर 350 का। ये सेकंड टॉप मॉडल आज अपने सामने खड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बाइक की 2024 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है, बाइक आपको कितने का माइलेज निकाल कर देती है, इस बाइक की टॉप स्पीड कितनी है, उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की। तो 2,09,000 रुपए की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बाइक की से। तो कुछ इस तरह की आपको इस बाइक की मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको आरी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। चलिए करते हैं इसके इग्निशन को ऑन। जैसे ही आप इसकी की को ऑन करते हो तो इसके फ्रंट में आपको जो पार्किंग लाइट देखने को मिलती है, लाइट ये ऑन हो जाती है। इंजन स्टार्ट होते ही इस बाइक की जो बड़ी हेलोजन हेडलाइट ये ऑन हो जाती है। तो हेलोजन हेडलाइट सेटअप के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको इस बाइक का मिल जाता है। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको हजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक के चारों इंडिकेटर को एक साथ ऑन कर सकते हो। इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। 41 mm फॉरवर्ड, 130 mm ट्रेवल सस्पेंशन के ऊपर आपको यहाँ पर रबड़ मिल जाती है, जो बारिश वगैरह के लिए काफी अच्छा फीचर्स होता है। इसके सस्पेंशन के दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, नाइट के लिए रिफ्लेक्टर काफी अच्छे होते हैं। इसके फ्रंट में आपको 300 mm की डिस्क मिल जाती है। ड्यूअल चैनल ABS आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील भी मिल जाते हैं। इसके फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करूँ तो 110/70/17 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिलने वाले हैं। इसकी साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो इसके टैंक के ऊपर आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिल जाती है। दोस्तों, ग्रे कलर आपको ग्लॉसी कलर फिनिशिंग के साथ में मिल जाता है। 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिलने वाली है। एंड इस बाइक की ऊपर तरफ को E20 का स्टिकर मिल जाता है। आने वाले टाइम में आप इस बाइक को इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से भी चला सकते हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसके अंदर आपको 350 cc का एयर ऑयल कूल इंजन मिल जाता है, जो 20.21 bhp की पावर जनरेट करता है, 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टोटल 5-स्पीड गियरबॉक्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। इस बाइक के माइलेज की बात करो तो ये बाइक आपको 35 से 40 kmpl तक का माइलेज इजीली निकाल कर देती है। इस बाइक के अंदर आपको 181 kg का कर्वेट मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको किक नहीं मिलता है, तो काफ़ी लाइट वेट आपको ये बाइक मिल जाती है। साइड प्रोफाइल के अंदर आपको रॉयल इनफील्ड हंटर 350 की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलने वाली है, कुछ इस तरीके की। दोस्तों, अगर आपके हाइट 5 ft 5 in है, 5 ft 6 in है, तो भी आप इस बाइक को इजीली राइड कर सकते हो। आपको इस बाइक को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सिंगल सीट ऑप्शन के साथ में आपको बाइक मिलती है। इस बाइक की सीट हाइट की बात करो तो 790 mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिलने वाली है। इसकी रियर प्रोफाइल के अंदर आपको पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। इसके रियर में आपको 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसके रियर में आपको 270 mm की डिस्क मिल जाती है। इसके रियर में आपको 140/70/17 in के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, काफी सारे फीचर्स के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। अब बात लेते हैं इस बाइक की बैक प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल के अंदर आपको 2-piece ग्रेविल मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके के। इसके रियर में आपको गोल सी LED टेल लाइट मिल जाती है। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके के। इसके नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट माउंटर एंड रिफ्लेक्टर मिल जाता है। यहाँ पर आपको LED लाइट मिलती है, नंबर प्लेट और नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, लो फील्ड वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, ABS लाइट, चेक इंजन लाइट, लो फील्ड वार्निंग, साइड स्टेंड, इंजन कट ऑफ, ट्रिप वन ट्रिप टू, डिजिटल क्लॉक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप इस बाइक की मीटर की सेटिंग को चेकआउट कर सकते हो। सिंगल हॉर्न आपको इस बाइक के अंदर सुनने को मिलता है। इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूँ 120 km/h की टॉप स्पीड मिल जाती है। साइड में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का स्पोर्टिव एग्जॉस्ट नोट आपको इस बाइक का सुनने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था 2024 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड हंटर 350 डैपर ग्रे कलर का एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें।